हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा, वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम जो है एसआई के लिए जिस सीरीज़ में जिसमें हम 2000 क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। एंड आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपके लिए डिजीजेस के ऊपर जो है एक टॉपिक पे अलग से डिस्कशन करने के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। सो दिस इज़ द वीडियो, ठीक है। अगर आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के बहुत सारे टॉपिक्स है, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कहाँ से पढ़े, देन वी हैव ब्रॉट टू यू दिस 2000 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज, जिसपे आप जो है यू कैन गो टू द ऑफिशियल चैनल लिंक, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा जो है सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके तो आपको पूरा सीक्वेंस में मिलते जाएगा। सो यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक आउट, ठीक है। सो यही जो है इसी सीरीज का कंटिन्यूएशन में ये डिजीजेस का जो है टॉपिक है। सो वी विल बिगिन, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया हमें पता है मच्छर के काटने से होता है, सो इसमें प्राइमरी कॉज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगस। इसका जो सही आंसर है वो है पैरासाइट, ठीक है। मच्छर जो है प्लाज्मोडियम जो मच्छर है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मच्छर है वो आके काटती है। तो पहले जो ये पैरासाइट है ये मच्छर को इन्फेक्ट करती है, फिर मच्छर हमें आके काट देता है, तब हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक पैरासाइट है, ठीक है। पैरासाइट जो है हमें इन्फेक्ट करता है, इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज़ नॉट अ फंगस या फिर इट इज़ नॉट अ वायरस, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द विटामिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो कौन से डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है, ठीक है। अगर आपको याद ना रहे या फिर कोई आपको ट्रिक चाहिए, देन यू कैन सी विटामिन सी एंड स्कर्वी, देन देर इज अ सी, तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। अगर आपको याद नहीं होता इस तरीके से तो आप कोई यू नो हिंट निकाल के जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये याद करना पड़ेगा बिकॉज देर आर मेनी टाइम्स यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच डिजीज इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस या फिर एचआईवी, जो है कौन सा जो है बीमारी कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी। इजी है, हम सबको आता है। सो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एड्स, ठीक है। ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोला जाता है या फिर इसको एड्स बोला जाता है इस शॉर्ट फॉर्म में, बट आपको याद रखना है एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है और ह्यूमन एचआईवी का फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोलेरा। कोलेरा जो है वो उसका प्राइमरी कॉज क्या रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर प्रोटोजोआ। इसका जो सही आंसर है वो है बैक्टीरिया। पानी में जो है बैक्टीरिया का अगर वो पनपने लगे तो उसके वजह से लोगों को कोलेरा हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हेपेटाइटिस जो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 तरीके के होते हैं। सो हेपेटाइटिस जो है वो कौन से प्राइमरी इफेक्ट, मतलब पूरे होल बॉडी में कर सकता है, बट प्राइमरीली उसका इफेक्ट हमें कौन से जो है बॉडी पार्ट में देखने को मिलेगा, हार्ट, लिवर, लंग्स या फिर किडनीज। इसका जो सही आंसर है वो है लिवर। लिवर पे सबसे पहले हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, हेपेटाइटिस के इफेक्ट होने से। नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ कॉमन नेम फॉर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमने सी से स्कर्वी याद कर लिया, विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा जो है यहाँ पे बीमारी हो सकता है। ऑप्शन ए रिकेट्स, बेरी बेरी, पेलेग्रा या फिर स्कर्वी। तो स्कर्वी तो नहीं होगा बिकॉज वी सो इट इन द लास्ट स्लाइड की सी से होता है। सो लेट अस चेक कि क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है रिकेट्स, ठीक है। अगर आपने पिक्चर देखा होगा रिकेट्स का तो वो क्या होता है, विटामिन डी क्या है, सन जो है उसका सोर्स रहता है, वन ऑफ द मेजर सोर्स है। तो रिकेट्स जिनको होता है ना उनका टांग थोड़ा इस तरीके से यू नो दे आर राउंडेड काइंड ऑफ, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं है हमारे लेग्स की तरह, उनको जो है थोड़ा राउंडेड होता है। बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा रिकेट्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है। सो आपको याद रखना है विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स होने का बहुत सारा चांसेस है, ठीक है। विच मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय हाई फीवर, जॉइंट पेन एंड रैशेस, डेंगी, मलेरिया, जीका वायरस या फिर चिकनगुनिया। इसका जो सही आंसर है चिकनगुनिया, ठीक है। एडिस मस्कीटो जो है ये फैलाते हैं, ठीक है, एडिस मॉस्क्यूटो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका प्राइमरी कॉज क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस कुड बी आस्क्ड
बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है. बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ, इसका जो सही आंसर है वो है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो हमारे लंग्स में, अगर जिनको टीबी होता है उनके उनके लंग्स में होता है, मतलब यू नो अफेक्ट करता है वो बैक्टीरिया. उसके बाद जब वो स्नीज भी करे और अगर आपने उनके विसिनिटी पे है तो आपको भी ट्यूबरक्लोसिस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उनके बैक्टीरिया में जब वो खांसते हैं या फिर छींक मारते हैं तो वो एयर में यू नो बैक्टीरिया दे कम आउट, एंड इफ़ यू इनटेक द सेम एयर या फिर यू नो कोई भी तरीके से कंटामिनेशन हो जाएगा तो आपको भी ट्यूबरक्लोसिस होने का बहुत सारा चांसेस रहेगा. सो ट्यूबरक्लोसिस पे जो है बहुत बार रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, इंडिया भी बहुत सारे रिपोर्ट निकालता है, और हम लोगों ने जो है ये आपको याद रखना है 2025 तक जो है हम ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरीके से इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बैक्टीरिया आपको याद रखना है, ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे एसेंशियल जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन ए. इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के. ओके, सो विटामिन के जो है इसका सही आंसर है, आपको याद रखना है विटामिन के जो है इसका सही आंसर है, ठीक है. ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है विटामिन है वो है विटामिन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट. ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड हम लोगों ने डिस्कस किया है, सो लेट अस चेक कि आपको याद है कि नहीं. डेंगी फीवर, मलेरिया, टाइफॉइड या फिर कॉलेरा, इसका जो सही आंसर है वो है मलेरिया. प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट है, पैरासाइट वी हैव डिस्कस्ड इट, पैरासाइट की वजह से क्या होता है हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है. ये इन्फेक्ट करता है मस्कीटोज को, मस्कीटोज जो है हमारे काटती है तो उससे हमें भी मलेरिया हो जाता है, ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइफॉइड फीवर. टाइफॉइड फीवर का सबसे प्राइमरी कॉज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगस, इसका जो सही आंसर है वो है बैक्टीरिया, ठीक है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन हो जाता है जब, तब हमें टाइफॉइड हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज विच विटामिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कौन से डिफिशियंसी की वजह से होता है, ए, बी 12, सी या फिर डी. इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है. सो अब विटामिन ए जो है हमें कहाँ न्यूट्रिएंट जो मिलता है, लाइक स्पिनच हो गया, कैरेट्स हो गया, ये सबसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है विटामिन ए, ताकि वो हमें नाइट ब्लाइंडनेस ना दिलाए, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट डिजीजेज इज कॉज बाय एप्स्टीन बार वायरस. ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस से जो है कौन सा बीमारी जो होता है वो होता है मीजल्स, मोनोन्यूक्लियोसिस, रूबेला या फिर चिकन पॉक्स. इसका जो सही आंसर है वो है मोनोन्यूक्लियोसिस. ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस जो है एप्स्टीन बार वायरस से हम हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज अ वाटर बॉर्न डिजीज. ठीक है, पानी की वजह से कौन सा होता है, मलेरिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस या फिर इन्फ्लुएंजा. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, वी कैन सॉल्व दिस. सो द करेक्ट आंसर इज कॉलेरा, बिकॉज हमने जो है पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया कि पानी जो है कंटामिनेट हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, उसके बाद अगर वो हम पानी ड्रिंक करेंगे तो हमें जो है कॉलेरा होने का बहुत सारा चांसेस रहता है. ठीक है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय पार्किंसंस डिजीज. पार्किंसंस डिजीज जो है बहुत बार आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, यहाँ सुन लेते और देखते हैं कि आप कौन सा जो है अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, लीवर, ब्रेन, हार्ट या फिर किडनीज. ठीक है, तो पार्किंसंस डिजीज जो है वो ब्रेन को इफेक्ट करता है. ठीक है, आपके ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसमें इफेक्ट करता है पार्किंसंस. अगर आपको पार्किंसंस डिजीज अगर आपने किसी को देखा होगा तो उनको पता चल जाएगा कि उसको ब्रेन में कुछ इफेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड. वेरी इजी क्वेश्चन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ. इसका जो सही आंसर है वो है वायरस. ठीक है, COVID-19 का भी अगर आप देखेंगे तो क्या होता था, टेस्ट चला जाना, नो कॉमन कोल्ड होना, बुखार आना, तो ये सब क्या है, वायरस का ही काम होता है. वायरस हमारे सेल में चला जाता है और सेल के स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, इसके वजह से हमें जो है कोल्ड वगैरह हो जाता है. तो ये आपको याद रखना है, कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस की वजह से होता है. विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू पेलाग्रा. पेलाग्रा जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, ए, B3 दैट इज नियासिन, सी या फिर डी. इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन B3, जो नियासिन है वो पेलाग्रा कॉज करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इन्फेक्शियस डिजीज कैरेक्टराइज बाय अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वूपिंग कफ. जो वूपिंग कफ होता है, मतलब जो यू नो बहुत ज़ोर से कफ आता है और विथ फ्लेम जो होता है, वो सब वो कौन से बीमारी में होता है हमें देखने को मिलता है, टिटनस, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस या फिर डिफ्थेरिया. इसका जो सही आंसर है वो है पर्ट्यूसिस. ठीक है, पर्ट्यूसिस जो होता है उसमें हम देख सकते हैं वूपिंग कफ जो है वो निकलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लेप्रोसी. लेप्रोसी जो होता है वो उसका प्राइमरी कॉज क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगस. इसका जो सही आंसर है वो है बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से जो है लेप्रोसी हमें देखने को मिलता है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो विटामिन रहता है, ए के सी या फिर डी. ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी. ठीक है, मैंने बताया था रिकेट्स. ठीक है, आपको याद है ना रिकेट्स में वो पाव किस तरीके से यू नो टेढ़े हो जाते हैं, तो रिकेट्स हो गया या कि वो भी विटामिन डी की कमी से. और क्योंकि पाव में जो है बोन्स रहते हैं, बोन्स को क्या चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, तो यू कैन कनेक्ट इट लाइक दैट ओनली. तो विटामिन डी जो है कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, तो आपको अगर कभी कैल्शियम की कमी हो तो डॉक्टर आपको विटामिन डी ही यू नो रिकमेंड करेंगे और बोलेंगे कि सुबह यू नो धूप जो है, सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का धूप है वो हमें लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी विच वी कैन गेट. ठीक है, सो ये आपको समझ आना चाहिए, रिकेट्स, विटामिन डी और कैल्शियम जो है तीनों विटामिन डी से ही कनेक्टेड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मीजल्स. मीजल्स जो है उसका प्राइमरी कॉज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगस. इसका जो सही आंसर है वो है वायरस. ठीक है, मीजल्स जो है वायरस की वजह से होता है. ठीक है, मीजल्स का इंजेक्शन जो है वो भी आप सबने लगाया होगा, बचपन में ही हमें दिया जाता है. ठीक है, विच डिजीज इज कॉज बाय वेरिकेला जोस्टर वायरस. ठीक है, वेरिकेला जोस्टर वायरस से हमें कौन सा बीमारी होता है. ठीक है, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो या फिर इन्फ्लुएंजा. इसका जो सही आंसर है वो है चिकन पॉक्स जो है हमें वेरिकेला जोस्टर वायरस से हमें होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वूपिंग कफ. जो कफ हमारा निकलता है वूपिंग तरीके से, आपको याद होगा पर्ट्यूसिस जो है हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया है. तो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगस. इसका जो सही आंसर है वो है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की वजह से जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो हमें वूपिंग कफ जो है वो होने लगता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. नाउ दिस हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इंपॉर्टेंट बोला था, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. ठीक है, दिस कुड बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है HPV बोला जाता है, वो कौन से जो है डिजीज के वजह से कॉज होता है, यानी वो ये वायरस जो है कहाँ पे इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंजा, एड्स, सर्वाइकल कैंसर या फिर ट्यूबरकुलोसिस. इसका जो सही आंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर. सर्वाइकल कैंसर इसके लिए जो है ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक वैक्सीन भी डेवलप किया गया है. ठीक है, वैक्सीन भी डेवलप किया गया था, इसीलिए ये बहुत न्यूज़ में रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो याद रखना है सर्वाइकल कैंसर जो है उसके उसके लिए मेडिसिन बनाया गया है. तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सर्वाइकल कैंसर का जो प्राइमरी कॉज रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ येलो फीवर. येलो फीवर जो है वो उसका प्राइमरी कॉज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगस. इसका जो सही आंसर है वो है वायरस. ठीक है, वायरस की वजह से जो है हमें येलो फीवर हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोलेजन फॉर्मेशन. हमारी जो स्किन में जो कोलेजन रहता है उसका फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ए, सी, डी या फिर के. इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन सी. विटामिन सी जो है हमें सिट्रस फ्रूट वगैरह से हमें विटामिन सी का जो है हमें मिला जाता है. तो आप ऑरेंजेस अगर खाएंगे तो आपका कोलेजन स्किन जो है स्किन हेल्दी रहता है, इसीलिए विटामिन सी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, विटामिन डी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बोन, बोन्स, कैल्शियम, उसके लिए विटामिन डी. ठीक है, विच डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी. उसमें नाम में लिखा हुआ है, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, मलेरिया, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस या फिर इन्फ्लुएंजा. इसका जो सही आंसर है वो है कॉलेरा. ठीक है, विब्रियो कॉलरी जो है वो कॉलेरा के लिए दैट इज द मेन रीजन, वो बैक्टीरिया है. ठीक है, याद रखना ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कॉलेरा क्या वायरस है क्या बैक्टीरिया है. तो आपको याद रखना है कॉलेरा जो है एक इज अ बैक्टीरिया जो पानी में पनपता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी. आई थिंक देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. द आंसर इज कॉलेरा. आंसर देख लीजिए, कॉलेरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय कैलियाक डिजीज. कैलियाक डिजीज से क्या होता है, कौन सा ऑर्गन जो है इफेक्ट हो जाता है, लिवर, हार्ट, लंग्स या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका जो सही जवाब है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कैलियाक डिजीज को जो ये कैलियाक डिजीज होता है वो इफेक्ट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिफ्थेरिया. डिफ्थेरिया जो है एक बीमारी है, उसका प्राइमरी कॉज क्या रहता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगस. इसका जो सही जवाब है वो है बैक्टीरिया. इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो यू नो मीजल्स हो गया, डिफ्थेरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, ये सब बचपन में हो जाता है. इसीलिए हम गवर्नमेंट ने जो है इन सबको इरेडिकेट, रूबेला हो गया, मीजल्स हो गया, इन सब के लिए जो हमें बचपन में इंजेक्शन दिया जाता है. ठीक है, सो डिफ्थेरिया इज वन ऑफ दैट ओनली. सो आपको याद रखना इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, जो बैक्टीरिया जो है इसका प्राइमरी कॉज रहता है. ठीक है, आपको याद रखना, हम लोगों ने दो तीन इंपॉर्टेंट जो है आपको ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के बारे में जानना है और एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहता है. इनके बारे में आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और ये वीडियो को जो है आप दो तीन बार गो थ्रू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ठीक है,
सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टूडेज सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द अनदर सेशन जहाँ पे हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड थैंक यू.